अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे और खैरियत से ही होंगे। ये देखिए, मैं निकल रही हूँ खेड़ के लिए। मैं जा रही हूँ खेड़, जहाँ मैं पापा मम्मी फूफा के गाड़ी में हम लोग खेड़ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो नाना है ना, वो गिर गए, उनको बहुत लगा है, उनको देखने के लिए जाने का है। तो वहाँ हम लोग पहले डीजल भरे, फिर आगे गए। ये देखिए, ये वहाँ जब जाते हैं ना अपन, मस्त मस्त पेंटिंग बनाए इन लोग ने, है ना। ये देखो, अब हम लोग आधे पैसे नाजू को ले लिए, धामन देवी से नाजू को लेने का था, वो भी लेके हो गया। अब हम लोग सीधा खेड़ के लिए निकल गए। ये देखिए, है ना, अब हम लोग भोस्ता घाट भी पहुँच चुके हैं। आप सब कैसे हो? दुआ में ज़रूर याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ये देखिए, भोस्ता घाट में हम लोग ये सब, है ना, गिन रहे थे। देखो, एक दो वो सब हम लोग गिन रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं गति, यानी जो गाड़ी स्लिप ना हो जाए, इसलिए वो बनाते हैं। हम लोग वहाँ बहुत सारे थे, वो हमें और नाजू मस्ती मस्ती में गिन रहे थे। और ये देखिए, हम लोग खेड़ पहुँच चुके थे। और ये बहुत दिन हो गए थे, नाजू और मैं 1 महीने के बाद मिले थे। बाप रे, उसको हम लोग, मैं उससे वही बात कर रही थी कि अपन दोनों 1 महीने के बाद मिले। वो भी बिजी थी, मैं भी बिजी थी। आज बहुत दिन के बाद मिल गए थे, तो बड़बड़ चालू थी हम दोनों की। मामू से भी बात कर रहे थे, कले से भी बात कर रहे थे। और ये देखे, हम लोग अभी भोस्ते में पहुँच चुके हैं। ये है रेलवे स्टेशन खेड़ का। ट्रेन तो नहीं आई थी, फिर भी हम लोग ने वीडियो की थी। ये देखो, यहाँ से ये रेलवे स्टेशन है खेड़ का। और ये देखिए, अभी हम लोग, नाना को बहुत लगा था, फिर कुछ लेने का था, वहाँ पे रुके क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी, इसलिए जूस वगैरह ले रहे थे पीने के लिए। नाजू तो पूरी दुकान में ही घुस गई थी, इसको देखो। और फिर हम लोग आगे जाते जाते सब मस्ती मजाक करते हुए जा रहे। आप लोगों को अगर मुझ में कुछ कम दिख रही है तो आप कमेंट में प्लीज बताइए। वैसे मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दिखाऊँ, अच्छे से अच्छे एडिटिंग करके इसमें डाल सकूँ। आप मुझे कुछ राय देते रहो। और आप सभी का शुक्रिया, जितने भी आप वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और माशाल्लाह, आप सभी की दुआ से 3000 से भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब हो चुके हैं, इसलिए भी आप सभी का शुक्रिया। और अब ये देखिए, हम लोग भोस्ते तक पहुँच चुके थे, अब नाना का घर आ जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ उतरते हैं, नाना को देखने चले जाते हैं। वहाँ तो मैं किसी की वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए सॉरी, सबकी वीडियो नहीं बना सकते। कभी कभी कोई नहीं आना चाहता है वीडियो में, तो उसको भी नहीं ले सकते, है ना। इसलिए ज़्यादातर मैंने किसी को वीडियो में नहीं ली, सिर्फ हम लोग ही थे। हम लोग थोड़ा किए, एंजॉय किए, नाना को देखे। माशाल्लाह, वो थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी बनाना की, तो ज़्यादातर हम लोग, अभी शाम का टाइम था इसलिए ज़्यादा रुके नहीं हम लोग ने, क्योंकि बहुत शाम हो रही होगी। हम लोग पहुँचने के लिए ही हम लोग को 5:30 हो गया था, तो उससे भी जल्दी आने का था, वापस रिटर्न घूमने का था ना, इसलिए वापस आने का था चुपलून में, इसलिए जल्दी जल्दी। फिर हम लोग, ये देखो, मेरे फुप्पी का घर आ गया, जहाँ नाना रुके थे, ये फुप्पी का घर है। तो ये देखो, वहाँ भी इतने मेहमान थे, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि इतने मेहमान थे वहाँ, सब नाना को देखने आ रहे थे, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो, ये मेरे फुप्पी का घर है। फिर हम लोग जा रहे अभी अंदर घर में, क्योंकि अच्छा नहीं कि कोई किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता है वीडियो में आना, इसलिए मैं किसी को वीडियो में नहीं ली थी। ये मेरी फुप्पी की बेटी है। और ये देखो, उनके घर में प्यारी प्यारी मछलियाँ है ना, ये देखे। और यहाँ सब बहुत, पूरा घर भरा हुआ था। तो ये देखिए, अभी फिर मैं, मेहमान बहुत थे इसलिए गैलरी में चली गई। बोले चलो, उन लोग का, उन लोग को पौधे का बहुत शौक है, तो ये लोग ने माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं। फिर उधर से हम लोग मामू के रिक्शा में बैठ के चले गए वापस महारणा का, क्योंकि अभी हम लोग फुप्पी को मिलने, दूसरे वाले बड़ी वाली फुप्पी जो हमेशा मेरे वीडियो में रहती है, वो आपको दी, उनके घर पे मैं चली गई थोड़ा टाइम के लिए, उनको मिलने के लिए, क्योंकि फुप्पी को भी मिलने का था थोड़ा टाइम, वहाँ मिले फुप्पी को। ये मेरे नाना का घर है, जो जहाँ मैंने, जिस नाना को मैंने अभी देखने गई थी, उनका घर था वो।
तो उनको बेटी लेके गई है, इसलिए वह हम लोग उनके बेटी के यहाँ पे गए थे। और ये आप सबको पहचानते हो गए, जो खेड़ के लोग रहे थे उन लोगों ने ये जो साइड है वो पहचान ले हो गए है ना, क्योंकि खेड़ के लोग को वो ब्रिज मालूम है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे फुप्पी के बिल्डिंग में, और ना जो मम्मी चल रही है देखो है ना, अभी तीसरे माले में चलने की हालत खराब। ये देखिए अब हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, चढ़ गए तीसरे माले के घर में। फुप्पी बाहर ही खड़ी है, अभी समझ में आएगा कौन सी वाली फुप्पी है, मेरी सगी फुप्पी है, बड़ी फुप्पी, उनके घर पे जाएगा। और मेरे को मोहम्मद सलाम अलैकुम बोल रहा है, मेरे को मोहम्मद कर। फिर हम लोग ने वहां से शव बटाटा पूरी लिए थे खाने के लिए, वो अब सब खाने के लिए बैठ गए। ये देखो, और नाजू मेरे कैमरे मोबाइल में देखो क्या कर रही है। अब ये नाजू देखो, ये देखो, ये सब मम्मी पापा मामू लोग सब बैठ के, फूफा सब बैठ के शव बटाटा पूरी खा रहे। और सबसे बात भी चालू थी, क्योंकि अब हम लोग को जल्दी जाने का भी था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 8:30 बज गए थे। ये देखो हम लोग निकल गए अभी चुपलून जाने के लिए। ये देखो मामू मम्मी को पकड़ के लेके जा रहे थे गाड़ी में बिठाने के लिए। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और फिर ट्रैफिक भी बीच बीच में ट्रैफिक भी मिल रही थी, बहुत हैरान हो गए थे हम लोग। और फिर वहाँ नाजू ने मेरे को बताया कि ये है घंटाघर कंपनी, ये रात में ऐसी दिखती है। देखो हम लोग लोटे पे, माशाल्लाह देखो हम लोग लोटे पे आ गए अभी, लोटे की लाइटिंग देखो, ये कंपनी है सब, लाइट देखो कैसे दिख रही है, मस्त लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है बिल्डिंग खड़ी है, सब बिल्डिंग खड़े है सब, ऐसा लग रहा है। फिर नाजू ने कहा वो चलोगे अभी शरबत वगैरह लेते हैं। ये देखिए अभी हम लोग वहाँ खड़े हैं शरबत लेने के लिए, वहाँ पे शरबत खरीद रहे हैं हम लोग विसावा पॉइंट पे। मैंने मैंगो आम की शरबत ली, मैंगो आम की शरबत ली, रूह अफ़ज़ा ली, उसके बाद एक इमली की चटनी लिए। ये देखो सब था, सब हर चीज़, पप्पड़ गावटी पप्पड़ वगैरह सब टोटल था इधर। ये देखो कोकम शरबत चाहिए थी वो लिए। ये देखो नाजू वीडियो बना रही है अभी, ये देखो मैं वहाँ देखने के लिए क्या क्या है, अपन वीडियो बना रही थी। ये देखिए फिर अब वापस जाने का था यहाँ से नाजू को छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और उसके पास थी बाइक, तो जाने का था धामन देवी पे ना, तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते रात के 9:30 बजे, तो फिर उसको छोड़ने के लिए वापस धामन देवी में जाना पड़ा। ये देखो वो आगे जा रहे, हम लोग पीछे जा रहे। फिर हम लोग पहुंच चुके उसके घर पे, वो घर दिखा रही थी फुप्पी लोग को, जो जिन्होंने उनका घर नहीं देखे थे उनको घर दिखा रही थी। चलो हम लोग गुड बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।